बैकुंठपुर में मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने प्रेमा बाग प्रांगण में अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल की, जहां कर्मचारी ने मनरेगा कर्मचारियों का नियमितीकरण और रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण करने की मांग की। साथ ही समस्त मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी अधिनियम लागू करने की मांग की गई है। बता दें कि सभी मांगों को लेकर मनरेगा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मनरेगा अधिकारी कर्मचारी संघ प्रांतीय स्तर पे जो चुनावी घोषणा पत्र था उसको अमल करने के लिए नियमितीकरण कर और नियमितीकरण से पूर्व में जितने भी यहाँ पे हैं पंचायती राज अधिनियम के आधार पे लाने के लिए यहाँ पर ये पूरे रोजगार सहायक से लेकर ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय सभी कर्मचारी वहाँ पर हड़ताल पर। मेरे साथ साथ जिले के करीब 388 कर्मचारी राज्य शासन की जो जन घोषणा पत्र थी जब ये अपना चुनावी मैनिफेस्टो लेकर के आए थे उसमें नियमितीकरण का इन्होंने वादा किया हुआ था। हम नियमितीकरण के साथ साथ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 पंचायत नियमावली जो है जिसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि हम सबको जितने मनरेगा कर्मचारी हैं इनको नियमितीकरण किया जाए, और दूसरा ये जो सिविल सेवा आचरण नियम 1966 है उसके तहत सभी को पंचायत कर्मी का दर्जा दिया जाए, और जब तक ये सारी चीज़ नहीं हो जाती तब तक के लिए हमारे रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण।